प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली किया संवाद। कार्यकर्ताओं ने भी प्रधानमंत्री से बात कर उन्हें दी विकास की जानकारी। भाजपा नेता पंकज चौधरी ने गोरखपुर में कहा कि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने किया माफिया और दंगा मुक्त, उनके नेतृत्व में ही बनेगी 2022 में सरकार। कांग्रेस में शामिल हुए मौलाना तौकीर रजा ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर उठाए सवाल, कहा इस एनकाउंटर में मारे जाने वाले लोग आतंकवादी नहीं थे। और पूरे प्रदेश में मतदान बढ़ाने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, गांव गांव तक जाकर लोगों को अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं जागरूक, सेल्फी प्वाइंट से भी मिल रहा है लाभ। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर, समाचार विस्तार से। 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह भरने की कोशिशों में जुटी हुई है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विधानसभा के चुनाव में देश भर की नजरें टिकी होती हैं। इसी चुनावी परिप्रेक्ष्य में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। नमो ऐप के जरिए ये बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से वाराणसी के विकास का भी फीडबैक लिया। आपने सुना प्रधानमंत्री जी ने जो कहा जी, क्या मैसेज आप लोगों के लिए है? देखिए, पहले तो विपक्ष हरदम कहते रहता था कि प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करते हैं। ये आज पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कार्यकर्ताओं से बात किए हैं, इसके पहले भी किए हैं, पर आज नमो ऐप के द्वारा सारे कार्यकर्ताओं की मन की बात उन्होंने सुनी और बनारस के बारे में जो विकास कार्य किया गया है उसके लिए फीडबैक लिया और जो सुझाव कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया है उसको बहुत अच्छे से सुना और उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसको आगे देख के सजा के काम करेंगे। हम लोग का भी कुछ बनता है कि हम लोग जिस तरीके से उन्होंने स्वच्छता की बात करी तो अस्वच्छता को लेकर हमें जागरूक वापस होना है, तीसरी लहर ना आए इसके लिए वापस हमें अपने प्रधानमंत्री जी का इस समय साथ देना होगा और जो मास्क और 2 गज की दूरी की जो उन्होंने बात करी है उस पर हमें वापस अमल करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उन्होंने विधानसभावार बूथ अध्यक्षों से वाराणसी में किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री जी आपके कार्यकाल के दौरान बनारस में शानदार विकास हुआ है। बिजली के मुद्दे पर बूथ अध्यक्ष ने उनसे कहा कि पहले बिजली के लिए हम लोगों को धरना देना पड़ता था, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। शहर के धार्मिक स्थलों का सुंदरीकरण हो रहा है। इस कार्यक्रम में कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव भी शामिल थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने हर कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं और उनसे संवाद करके जानकारी हासिल करते हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और काशी के सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जमीन से जुड़े नेता हैं। वो हमारी पार्टी की सबसे छोटी इकाई जो बूथ है, बूथ के अध्यक्षों से भी संवाद करना आवश्यक समझते हैं। आज का दिन उन्होंने इसके लिए चुना था और काशी के सभी विधानसभाओं के बूथ अध्यक्षों से उन्होंने सीधी बात की। उन्होंने बूथ अध्यक्षों से काशी में हुए विकास के बारे में उनकी राय जानी, काशी में और समस्याओं की जानकारी ली। मुझे बड़ा गर्व होता है ये कहने में कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के सबसे बड़े नेता हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व के कई देशों को मार्गदर्शन देने का काम करते हैं, इसके बावजूद वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए भरपूर समय निकालते हैं। हर 2-3 महीने पर वो काशी आ जाते हैं, काशी के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद रखते हैं और प्रतिदिन शाम को काशी के अधिकारियों से, पार्टी के नेताओं से काशी में हुए विकास कार्यों की जानकारी लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके सभी कार्यकर्ता और नेता पूरे 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, पूरे 5 साल जनता से मिलते रहते हैं, उनके काम के लिए खड़े रहते हैं और मोदी जी का भी ऐसा संवाद निरंतर चला आ रहा है, उसी की ये कड़ी है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को दिलचस्प बनाते हर दिन पार्टियों के नए ऐलान सामने आ रहे हैं। बसपा का नया दांव, 10 दलों के साथ करेंगे अपना गठबंधन, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर उतारेंगे 33 सीटों पर प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी 300 यूनिट बिजली पाव अभियान की करेगी शुरुआत, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास का दावा कर रहे हैं। वहीं अन्य राजनीतिक पार्टियां विकास पर सवाल के साथ जाति और लुभावने वादों के साथ दिख रहे हैं। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के एक दिन पहले उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर पूरी कर ली है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद के नेतृत्व वाली निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाली अपना दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। इन दोनों दलों का पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में खासा प्रभाव माना जाता है। इसी क्रम में आज संजय निषाद ने भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रभारी से मुलाकात करके सीटों के बंटवारे पर चर्चा की। बुधवार को होने वाले सीईसी में भाजपा प्रदेश के तीसरे, चौथे और पांचवें दौर के प्रत्याशियों को अंतिम रूप देगी। इसके साथ ही पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड पर भी चर्चा हो सकती है। लगभग 15 सीटें पहले से तय रखी है। ज्यादातर सीटें पर निषाद पार्टी भोजन भरी थाली से लड़ेगी। दो चार सीटें ऐसी हैं कि जहां हमारे कार्यकर्ता जो है कमल चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं और जीत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इस बीच भाजपा ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हिंदू विरोधी और भड़काऊ बयान देने में प्रतिस्पर्धा करने का आरोप लगाया। जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आपस में जिस प्रकार से एक कॉम्पिटिशन और एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि हु विल प्रमोट मोर हेट्रेड फॉर द हिंदूज। समाजवादी पार्टी की ओर से कथित दागी उम्मीदवार नाहिद हसन को टिकट दिए जाने का मामला अब जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस बीच आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए ही हमला बोलते हुए धोखा देने का आरोप लगाया। नोएडा में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के 30 प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान किया। उल्लेखनीय है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से विधानसभा चुनाव में गठबंधन के मुद्दे पर मुलाकात की थी, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच बात नहीं बन सकी थी। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए बुधवार से राज्य में अभियान शुरू करने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। समाजवादी पार्टी कल से इस का अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। जाहिर है प्रदेश में अब चुनावी संग्राम धीरे धीरे ही सही जोर पकड़ने लगा है। राज्य में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होगा, जबकि 7वां और अंतिम चरण 7 मार्च को वोट डाले जाने के साथ संपन्न होगा। मतों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी। गोरखपुर में भाजपा नेता पंकज चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश में 300 से अधिक सीटें जीतने जा रही है, अब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से कोविड टीका लगवाने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। प्रदेश में माफिया और अपराध समाप्त हो गया है, निवेश का माहौल बना है, 4,68,000 के MOU साइन हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त डबल इंजन की सरकार का फायदा लोगों को मिल रहा है। फर्क साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां गुंडा राज होता था, माफिया राज होता था, लोग डरे सहमे रहते थे, कोई महीना नहीं बीतता था जब दंगा नहीं होता था, कैराना जैसे जगहों पर पलायन हो रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार कान में तेल डालकर बैठी थी। आज योगी जी के आने के बाद सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में जो लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम थी उसको कहीं ना कहीं योगी जी ने ठीक करने का काम किया, और आज जहां पलायन हो रहा था, आज उन गुंडों का पलायन इस प्रदेश से हुआ है मित्रों। और जहां तक माहौल को देखते हुए, जो उत्तर प्रदेश में कभी कोई आना नहीं चाहता था,
कोई बिजनेस घराना आना नहीं चाहता था, आज ऐसा माहौल बना कि आज 4,68,000 करोड़ का एमओयू उत्तर प्रदेश में साइन हुआ और मुझे प्रसन्नता है बताते हुए कि 3,00,000 करोड़ का निवेश आज पूरे देश से उत्तर प्रदेश में व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है। ये बदलाव है कि आज लोग उत्तर प्रदेश में आकर के रोजगार करना चाहते हैं और यहाँ रोजगार होगा तो निश्चित तौर से हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। जनता से अपील करूंगा कि जो भारत सरकार द्वारा कोरोना के प्रति गाइडलाइन आई है कि सब लोग टीका लगावें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बना करके चलें, इसका हम सब लोग तत्परता से पालन करें ताकि इस कोरोना की लड़ाई में हमारा विजय फिर से हो पावे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने 33 प्रत्याशियों की एक सूची जारी की है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने सूची जारी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बड़े बड़े दल अहंकार में हैं, किसमें कितना दम है यह आने वाला समय बताएगा। आजाद ने कहा कि कुछ महीनों से कुछ लोगों ने हमें धोखा दिया है, मैंने मुस्लिमों की लड़ाई लड़ी है, मेरी लड़ाई सत्ता के सामने व्यवस्था की लड़ाई है। अभी ये मैंने वो घोषणा की जिनपे हम लोग लड़ने के लिए जिनपे हमसे बात हुई थी, बाद में हमसे छल हुआ, जिनपे हमने तैयारी की थी, लेकिन ऐसा नहीं। भीमार में आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हर विधानसभा पे, और हमने साबित किया था जब बुलंदशहर उपचुनाव हुआ कि बड़े बड़े दल जो आज अहंकार में है वो तीसरे चौथे नंबर चौथे पांचवे नंबर पे थे, हम तीसरे नंबर पे थे। हमने आज जो कुछ प्राप्त किया है अपनी मेहनत से प्राप्त किया है, खैरात में नहीं प्राप्त किया है। और अगर आज युवाओं के इस लड़ाई में मैं कमजोर पड़ गया ना, मैंने फिर कहा कि फिर कोई सत्ता के आगे लड़ेगा नहीं, फिर कोई भगत सिंह नहीं पैदा होगा, फिर कोई उधम सिंह नहीं पैदा होगा। तो मेरी लड़ाई ईमानदारी की है, मेरी लड़ाई सत्य की है, और सत्य कभी पराजित नहीं हुआ है। मैं ये भी वादा करता हूं कि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो आप देखिए आजाद समाज पार्टी अपनी ताकत मेहनत से ये साबित करेगी, और जिस जब सरकार बनाने के लिए किसी को हमारी जरूरत पड़ेगी तब हम भाजपा को रोकने के लिए फिर सबकी मदद करेंगे। महज 51 साल की उम्र में पुलिस कमिश्नर पद से इस्तीफा देकर राजनीति में शामिल हुए पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण भाजपा ज्वाइन करने के 2 दिन बाद अपने पैतृक गांव कन्नौज के खैर नगर पहुंचे। यहां गांव वालों ने पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का माला पहनाकर स्वागत किया। अपने पैतृक गांव पहुंचने से पहले पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने पिता द्वारा बनवाए गए स्कूल में एक कार्यक्रम में शिरकत कर लोगों का अभिनंदन किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2021 तक उन्होंने राजनीति में आने के लिए सोचा नहीं था। मेरी पुलिस की नौकरी अच्छी चल रही थी, लेकिन 1 जनवरी को मेरे सामने ये सुझाव आया, फिर मैंने इस पर विचार किया और उसके बाद नौकरी को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर लिया। मेरे साथ ये बड़ा रोचक प्रसंग है जिसमें कि मैं अपने पुलिस की नौकरी को पूरे मन से पूरी ईमानदारी से कर रहा था और मैं राजनीति या राजनीतिज्ञों से बहुत दूर था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बड़ा विजन है, कल्पना है, जिसमें मेरे जैसे लोगों को जो अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं उनको एक अवसर दिया जा रहा है कि आप आइए लोक सेवा में जुड़िए और लोक सेवा में जुड़ करके नया और अच्छा काम करिए। मेरे लिए डबल सौभाग्य क्योंकि मुझे वापस अपने पैतृक निवास कन्नौज अब और ज़्यादा रहने का मौका मिलेगा। हमारा घर है यहाँ पे, पिताजी ने एक संस्था बनाई है, स्कूल है, उसको हम लोग देखते हैं, लेकिन अब हम उसको और गहराई से देखेंगे और पूरे क्षेत्र में काम करने। कांग्रेस का दामन थामने वाले मौलाना तौकीर रजा ने जहां दिल्ली में कांग्रेस के पक्ष में बड़े बयान दिए, वहीं बरेली में आकर उन्होंने कांग्रेस के कुछ कामों की आलोचना भी की है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि बाटला हाउस में मारे जाने वाले आतंकवादी नहीं थे, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के हमेशा खिलाफ रहे और 2009 में कांग्रेस के साथ आने पर पार्टी को इसका लाभ भी मिला था। उस वक्त मुसलमानों को पैरोल पर छोड़ा गया था। इस अवसर पर उन्होंने बाटला हाउस कांड की जांच भी कराने की मांग की। उन्होंने इस अवसर पर लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। तो कांग्रेस को इस तरह घेरने की कोशिश करोगे, वो आई है मैदान में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लेकर आई है, तो उस लड़की के तमाम भाइयों को, उसके तमाम लोगों को, उसके चाहने वालों को, तमाम लोगों को ये चाहिए
कि बड़ा भाई बन के मैंने उसके सर पे हाथ रखा है कि लड़की है लड़ सकती है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आई है, वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने आई है, वो नफरतों के खिलाफ लड़ने आई है। तो हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि लड़की है वो लड़ सकती है, हमें अपनी ताकत उसको देना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह अपराधियों पर भरोसा करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में टिकट दिया है, उसका प्रभाव अब पार्टी पर पड़ने लगा है। केराना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है। 6 फरवरी 2021 को लगे गैंगस्टर एक्ट के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की थी, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। कल न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। हापुड़ के धौलाना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेश तोमर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष में जो काम किए हैं, जनता उसी के आधार पर मुझे जिताकर लखनऊ भेजेगी। मेरी भी और मेरा मानना सारे प्रदेश की प्राथमिकता यह है कि 5 साल जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश में सरकार चली है और उसमें वो अभूतपूर्व काम हुए हैं जो किसी सरकार ने किए हैं, चाहे गुंडों का दमन हो, महिला सुरक्षा हो, कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में सारा सामंजस्य के साथ जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और अनेकों समस्याएं जो प्रदेश के सामने थी उसका जो निस्तारण, उसका जो दमन माननीय योगी जी ने किया है वो पूरे प्रदेश के लिए का मेरा मानना देश के लिए भी आदर्श है। योगी जी आइडियल मुख्यमंत्री हैं और हिंदुस्तान के तमाम मेरा मानना स्टेट योगी जी के जो काम है उसका अनुसरण करते हैं, उसकी तारीफ भी मेरा मानना करते हैं, तो वो हमारे लिए और सभी के लिए एक पूरा कार्यक्रम है और हम उसके साथ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2022 विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के कल 5वें दिन 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन स्थल पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत के दावे किए हैं। अधिकतर प्रत्याशियों ने विकास के आधार पर लोगों से मतदान करने की अपील की है। वहीं भाजपा प्रत्याशी ने 5 वर्ष के काम पर अपनी जीत और सरकार बनने का दावा किया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि विकास की राजनीति पीछे रह गई है। विकास की राजनीति हमारे प्रदेश में, हमारे देश में फिर से शुरू हुई है और जनता ने 36 वर्षों के बाद इस प्रदेश में ऐसा जनमानस बना है कि कोई सरकार फिर से रिपीट होने की स्थिति में आई है। आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की वो पार्टी जिसने जाति और धर्म के बंधनों को तोड़कर एक नई परंपरा को जन्म दिया है, देश की भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय को जन्म दिया है। भारतीय राजनीति में विचारधारा के आधार पर राजनीति होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। लड़ाई में कोई है नहीं है, किससे लड़ाई है, एक तरफा चुनाव होगा, बाकी चुनाव हम जमीनी स्तर से लड़ेंगे, चुनाव से लड़ेंगे। मेरठ जनपद में मतदाता जागरूकता को लेकर एक नया प्रयोग किया गया है। मेरठ के मुख्य विकास अधिकारी शशांक चौधरी के दिशा निर्देशन में वोटर्स वाटिका बनाई गई है। इस वोटर्स वाटिका में चुनाव से संबंधित प्रेरणा उत्पन्न करने वाले स्लोगन और पेंटिंग दीवारों पर बनाए गए हैं। इसमें एक सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया है। मल्हू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने वाटिका को पोस्टरों तथा स्लोगन से कोविड टीकाकरण के साथ मतदान के लिए संदेश दिए हैं। मेरठ जनपद में 10 फरवरी को मतदान है तो उसी के तहत हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि कोरोना का भी हमें ध्यान रखना है, स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं, तो हमने ये एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ शुरू किया है जो वोटर्स वाटिका करके, ये एक हमारे मेन चौराहे पे है, कमिश्नरी चौराहे पे वोटर्स वाटिका बनाई गई है। इसमें सेल्फी पॉइंट है,
इसमें सैंड आर्ट है, इसमें बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बच्चों के पोस्टर्स हैं जो इन्होंने मतदाता जागरूकता के लिए किए हैं, जैसा क्योंकि रैलियां निकालना और बहुत ज़्यादा एक जगह कार्यक्रम करना प्रतिबंधित है अभी के समय में, तो ये एक नया एक इनोवेटिव तरीका है जिससे हम मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि वो 10 तारीख को वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट करें और साथ ही एथिकल वोटिंग करें, जो सही कैंडिडेट है उसे ही वोट करें, ना कि किसी प्रलोभन में आके वोट करें। मतदान के प्रति लोग जागरूक हों और अपने मत का महत्व समझे कि एक मत से सरकार बनती भी है और एक मत से सरकार गिरती भी है। जिस तरह हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए सुंदर मकान, शिक्षा या अन्य सुविधा जुटाते हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अपने बच्चों को एक अच्छी सरकार चुनकर नहीं देंगे तो उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाएगा। ये मैसेज देने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। विधानसभा चुनाव में बांदा जिला प्रशासन द्वारा जनपद में अधिक मतदान कराने के लिए जिलाधिकारी खुद मैदान में उतर गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने जनपद के एक सैकड़ा से अधिक अधिकारियों को 75 प्लस मतदान अभियान में लगाया है। जिलाधिकारी सहित प्रत्येक अधिकारी को 2 गांव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें जिलाधिकारी अनुराग पटेल सहित जनपद के समस्त अधिकारी संबंधित गांव में जाकर हर घर में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। ये अधिकारी लोकतंत्र में मतदान के महत्व की जानकारी भी दे रहे हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी सचिव, आशा बहू गांव में घूम घूम कर रैलियां निकालकर भी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। दीदी भैया बोझ पे जाना, अपना वोट डाल के आना। दीदी भैया बोझ पे जाना, अपना वोट डाल के आना। वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे। 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बांदा का जो पोलिंग परसेंट था वो मात्र 59 पॉइंट था, 59.5 कुछ था, और जबकि लोकसभा में जो 2019 में हुआ था यहाँ 63% वोटिंग हुई थी, तो 59% वोटिंग बहुत खराब वोटिंग है। तो उस 59% वोटिंग को बढ़ा करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा 75% प्लस मतदान करना चाहते हैं, क्योंकि गत चुनाव में हमारा बांदा जनपद फर्स्ट क्लास श्रेणी में भी पास नहीं हुआ था, तो हम उसको न केवल फर्स्ट क्लास श्रेणी में पास कराना चाहते हैं बल्कि विशेष योग्यता जो 75% प्लस मतदान होता है वो हमने टारगेट किया है। उसी के क्रम में हमारे जगह जगह बच्चों द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो रंगोली बनाई जा रही है, अल्पना बनाई जा रही है, इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना घर घर जा करके जब तक हम मतदाताओं को जागरूक नहीं करेंगे हमारा वोटिंग परसेंट नहीं बढ़ेगा। तो हमारे जनपद में 58 निरक्षर ग्राम प्रधान हमने छाटे थे जिनको हम पढ़ा के साक्षर बना रहे हैं और लगभग वो साक्षर हो गए हैं। तो इन ग्राम प्रधानों को जो निरक्षर ग्राम प्रधान हैं और साक्षर हो चुके हैं उनको हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत। और इस ग्राम प्रधान जो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है उनके नेतृत्व में हमारे गाँव के लोग, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, प्रधान, सेक्रेटरी, सारे लोग जो विलेज लेवल वर्कर हैं उनके साथ हम लोगों ने गांव-गांव जा करके कुंडी खटखटा करके मतदान के लिए अपील की है। गणतंत्र दिवस की झांकी मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा है कि झांकी चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। ममता बनर्जी के आरोपों को नकारते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने नेताजी के जन्मदिन को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को गणतंत्र दिवस की झांकी मसले पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर केंद्र सरकार का पक्ष सामने रखा। उन्होंने पत्र में ममता बनर्जी को आश्वासन दिया है कि गणतंत्र दिवस की झांकी की चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। उन्होंने लिखा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली झांकियों की चयन प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है। कला, संस्कृति, संगीत और नृत्य विधाओं के प्रख्यात विद्वानों की समिति, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भेजे गए प्रस्तावों के कई दौर के मूल्यांकन के बाद इनकी अनुशंसा करती है। इसी प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल की झांकी ने 2016, 17, 19 और 21 में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर नेताजी की झांकी को फिर से शामिल करने की मांग की थी। राजनाथ सिंह ने ममता को चिट्ठी में कहा, देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान प्रत्येक भारतीय के लिए अविस्मरणीय है। इसी भावना को सर्वोपरि रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है। अब हर बार से गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी को समापन किया जाएगा। वर्तमान सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पश्चिम बंगाल के सभी स्वाधीनता सेनानियों के प्रति कृतज्ञ है। हमारी सरकार ने ही 1943 में नेताजी के नेतृत्व में बनी भारत की निर्वासित सरकार की 75वीं वर्षगांठ 2018 में भव्य रूप से मनाई थी और गणतंत्र दिवस परेड में आजाद हिंद फौज के जीवित सेनानियों को शामिल कर सम्मानित भी किया था। CPWD की झांकी में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। यह इस तथ्य का साक्षी है कि देश द्वारा महान नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती को प्रमुखता दी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले में ट्विटर पर लिखा, संयोग से इस वर्ष की CPWD की झांकी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस शामिल हैं। भारत के जश्न में राजनीति देखना बंद करें। बीजेपी ने भी इस मामले में राजनीति न करने की सलाह दी है। जो कमिटी इस विषय को देख रही है वो एक नॉन पॉलिटिकल कमिटी है, जो विषय राजनीतिक है ही नहीं। उस विषय को राजनीतिक बनाने का प्रयास किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये देश एक सुंदर गुलदस्ता है, हम सबको मिलकर वी शुड सेलिब्रेट इंडियननेस। इसमें कहीं भी कोई भी राज्य एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए ये उचित नहीं है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है कि दिस इज अ नॉन पॉलिटिकल कमिटी व्हिच इज लुकिंग इनटू इट। सरकार का कहना है कि हर साल राज्यों की ओर से झांकी के प्रस्ताव आते हैं। विभिन्न राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त झांकी प्रस्तावों का मूल्यांकन कला, संस्कृति, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला, नृत्य कला आदि के क्षेत्र में प्रतिष्ठित लोगों की विशेषज्ञ समिति की बैठकों में किया जाता है। समय की कमी के कारण केवल कुछ प्रस्तावों को ही स्वीकार किया जा सकता है। इस बार 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्तावों में से 12 को मंजूरी दी गई है। अलीगढ़ में महुआ खेड़ा थाना के धनीपुर एयरपोर्ट के पास प्राइवेट बस और ट्रक की दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 35 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया। एटा की तरफ से आ रही मिनी बस ने 40 से अधिक यात्री सवार थे जो ट्रक से जा भिड़ी। ये धनीपुर हवाई पट्टी के पास एक कासगंज से आती हुई प्राइवेट बस और अलीगढ़ की तरफ ये आ रही थी और एक ट्रक, लोडेड ट्रक अलीगढ़ से कासगंज की तरफ जा रहा था, तो इसी हाईवे पर इनके हेड ऑन कोलिजन हुआ, जिसमें जो बस में रहने वाले, बस में बैठे हुए कुछ व्यक्तियों को चोट लगी है और घायल हुए हैं। इनको अस्पताल यहाँ से मौके से ले जाया गया है। साथ ही साथ ट्रक के ड्राइवर को भी चोट लगना प्रकाश में आया है। सभी घायलों को यहां से घटनास्थल से अस्पताल भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली किया संवाद। कार्यकर्ताओं ने भी प्रधानमंत्री से बात कर उन्हें दी विकास की जानकारी। भाजपा नेता पंकज चौधरी ने गोरखपुर में कहा कि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने किया माफिया और दंगा मुक्त, उनके नेतृत्व में ही बनेगी 2022 में सरकार। कांग्रेस में शामिल हुए मौलाना तौकीर रजा ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर उठाए सवाल, कहा इस एनकाउंटर में मारे जाने वाले लोग आतंकवादी नहीं थे। पूरे प्रदेश में मतदान बढ़ाने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, गांव गांव तक जाकर लोगों को अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं जागरूक, सेल्फी प्वाइंट से भी मिल रहा है लाभ।